हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन। लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सीएसआईआर जून 2021 के क्वेश्चंस, और इस प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। आज हम सॉल्व करने वाले ईएमटी का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इन एन एक्सपेरिमेंट। ये सारे पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट सी हम लेटर ऑन करेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ई बाई एम, थॉमसन मेथड से ई बाई एम रेशियो फाइंड आउट किया गया था सबसे पहले ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन्स मेथड। उसी से हम एक्सपेरिमेंट में मेजर कर रहे हैं द वैल्यूज ऑफ डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आर 6×10⁶ न्यूटन पर कूलम एंड 150 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है दैट इज 150 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6×10⁶ न्यूटन पर कूलम। ओके, डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये हो गया आपका 150 वोल्ट, हो गया आपका पोटेंशियल वी, ये हो गया ई। नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट लीड्स टू जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज क्लोजेस्ट टू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया। टू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर का कंसेप्ट सबको पता ही है कि हम जीरो डिफ्लेक्शन कब होता है, यानी सिर्फ वही वेलोसिटीज जो एक पर्टिकुलर रेशियो में होती है ई बाई बी के, सिर्फ वही वेलोसिटीज के पार्टिकल्स पास हो पाते हैं और बाकी सारे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने रास्ते से। तो जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका और बाकी सबका डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। तो वही कंसेप्ट यूज करना है, क्लास 12th बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड द मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टू फाइंड आउट और पोटेंशियल गिवन है। तो आपको पता है कि इस केस में क्या होता है, जो फोर्स लग रहा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई, वो क्यू वी बी के इक्वल हो जाता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। ये सेम कंसेप्ट हम हॉल इफेक्ट में भी लगाते हैं, सेम कंसेप्ट हम बहुत बार ई एम टी के बहुत सारे कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो ई कितना होता है, बी वी, याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, ई इज बी वी। तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे B निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी E बाई वी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है कैपिटल V 150 वोल्ट। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट आपको पता ही है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। सो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई इंटू वी। इलेक्ट्रॉन चार्ज है, क्यू वी का फॉर्मूला होता है, क्यू इंटू वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यू चार्ज ई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो ई वी के इक्वल हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई कैपिटल वी। तो यहाँ से वी आपको मिल जाएगा रूट टू ई वी अपॉन एम। बस वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो बी आपको मिल जाएगा यहाँ से, ई गिवन था आपको 6×10⁶ न्यूटन पर कूलम एंड बी की वैल्यू में आप लिख देंगे यहाँ पर रूट टू ई वी अपॉन एम। सो 2× इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ इंटू वोल्टेज डिफरेंस था 150 का, वी की वैल्यू 150 थी। फिर चेक कर लेते हैं 6×10⁶, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था और 150 वोल्ट करेक्ट, एंड इसी में डिवीजन में आ जाएगा इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻¹⁹। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे देन इट विल गिव यू 0.8 टेस्ला। सॉल्व करके देख लीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन क्लास 12th कॉन्सेप्ट्स। तो अभी पेपर अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आया नहीं है, देखते हैं आगे और क्या क्या कंसेप्ट्स रहते हैं। बट यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, कंसेप्चुअल अप्रोच आपकी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन मुश्किल है इस एग्ज़ाम में। और आने वाला पेपर यदि डिफिकल्ट भी आता है तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके कंसेप्चुअल अप्रोच में आते हैं या फिर आपने जो टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं उनसे रिलेटेड। अगेन थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन कि ये सीरीज कैसी लगी आप सभी को और सॉल्यूशंस आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू एवरीवन। 0.8 टेस्ला डी विल बी द करेक्ट आंसर।